आपके साथ हैदर जेदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। कांग्रेस का टेंट गिरा है, विधायक आरिफ मसूद की तरफ से था कार्यक्रम, 12 नंबर पर स्कूली बच्चों को किया था आमंत्रित, स्वतंत्रता दिवस को लेकर होना था कार्यक्रम, घटना में कोई चपेट में नहीं आया है, कार्यक्रम रद्द हुआ है। तो भोपाल में कांग्रेस का टेंट गिरा, विधायक आरिफ मसूद की तरफ से कार्यक्रम होना था, 12 नंबर पर स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया गया था और स्वतंत्रता दिवस को लेकर होना था कार्यक्रम, घटना में कोई चपेट में नहीं आया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ गए। कुलभूषण, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस का टेंट गिरा है, विधायक आरिफ मसूद की तरफ से एक कार्यक्रम होना था जो अब कार्यक्रम नहीं हो पाएगा क्योंकि टेंट ही गिर गया है, तो कार्यक्रम कैसे होगा? 12 नंबर पर स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया था इस कार्यक्रम में, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, हालांकि ये दिन में 2 बजे की घटना है और सांस्कृतिक कार्यक्रम 15 अगस्त के दिन होना था। इस कार्यक्रम में विधायक आरिफ मसूद के साथ जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं वो शामिल होने थे, लेकिन बारिश काफी तेज हो रही है पिछले 24 घंटों से, और 24 घंटे पहले से ही अगर मौसम विभाग ने भी मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया है, कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही जो प्लास्टिक से टेंट बनाया गया था और काफी तेज आंधी तूफान और बारिश होती नजर आ रही थी, लेकिन कार्यक्रम के पहले ही जो है टेंट गिरा था, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की कोई जो बड़ी दुर्घटना है वो नहीं हुई है, इसलिए कार्यक्रम को जो है तुरंत निरस्त किया गया है। और देखा जाए तो इसमें जो बच्चे हैं जो शामिल होने थे उनको तत्काल ही ये जानकारी दी गई कि कार्यक्रम अब निरस्त हो चुका है। हालांकि इस पूरे मामले पे आरिफ मसूद ने तत्काल ही बच्चों से भी बातचीत की है और जिनको टेंट लगाने की परमिशन दी गई थी, जिनसे बातचीत हुई थी, उनके खिलाफ भी जो है उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्कुल, तो कार्यक्रम चूंकि अब नहीं हो पाएगा और ऐसे में जो पंडाल लगाने वाले लोग थे या कार्यक्रम में जो टेंट लगाने वाले लोग थे उन पर भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। लेकिन कुलभूषण, स्वतंत्रता दिवस पर यह कार्यक्रम होना था, ऐसे में यह कार्यक्रम अब पूरी तरह से नहीं हो पाएगा? देखिए, स्वतंत्रता दिवस में जो कार्यक्रम आयोजित आज मध्य प्रदेश में कई जिलों में आयोजित हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश लगातार होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों से अगर हम बात करें तो बारिश का जो सिलसिला है वो थमा नहीं है, तेज आंधी तूफान चलते हुए नजर आ रहे हैं, नदी नाले उफान पर है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूल सहित जो सरकारी स्कूल हैं, जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, देशभक्ति के गानों के साथ जो है बच्चे झूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज वो कार्यक्रम निरस्त इसलिए करने पड़े क्योंकि काफी तेज जो है बारिश हो रही थी और इसी वजह से जो है जो टेंट लगाया गया था वो भी धराशायी हुआ है। और उसके तुरंत बाद जो है जब इसकी जानकारी कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद को लगी तो उन्होंने तत्काल ही जो प्रिंसिपल हैं और जो स्टाफ के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की और उन्होंने कार्यक्रम निरस्त करने के निर्देश दिए। बिल्कुल, तो उन्होंने कार्यक्रम निरस्त करने के निर्देश दे दिए। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलभूषण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।